नमस्कार, खबरें दे सबलेट में तुहाडा स्वागत है। मैं हां परमिंदर सिंह। पेश ने हुण तक दी खबरां। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के सरहदी खेतरां दे नाल लगदे इलाकों में मूल ढांचे नूं मजबूत करन नूं उच्च तरजीह दित्ती है। नवीं दिल्ली में अज सीमा सुरक्षा बल BSF के 18वें रैंक सम्मान देने संबंधी समागम में संबोधन करदे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का विश्वास है कि जे सरहदां दे नाल लगदे खेतरां में मूल ढांचे में सुधार नहीं किया जाता तो देश की सरहद को सुरक्षित नहीं किया जा सकता। 2008 तो 2014 तक UPA सरकार दौरान हुए कामों की तुलना करदे अमित शाह ने कहा कि UPA ने सिर्फ 3600 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जबकि मोदी सरकार ने 4764 किलोमीटर सरहदी सड़कें बनाईया ने। उन्होंने कहा कि नीम फौजी बलों की सुचारू आवाजाई लिए इन इलाकों में 6 सुरंगों का निर्माण किया गया जबकि 19 सुरंगों के काम चल रहा है। इसके मुकाबले UPA के शासनकाल दौरान सिर्फ एक सुरंग ही बनाई गई थी। गृहमंत्री ने भरोसा दिता है कि कौमांतरी सरहद न लगती कंडियाली तार में कोई विथ नहीं छड़ी जाएगी और विथ भरन का काम 2022 तो पहला मुकम्मल कर लिया जाएगा। अज के समागम दौरान गृह मंत्री ने देश की एकता के अखंडता लिए शलाघाजोग काम करने वाले सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों और जवानों को सम्मानित भी किया। इस साल 27 अधिकारियों और जवानों का सम्मान किया गया है। इन्होंने 14 ने बहादुरी लिए पुलिस मैडल और 13 ने शलाघाजोग सेवाओं लिए पुलिस मैडल हासिल किए ने। भारतीय जल सेना ने बीते दिन सैन डिएगो के उत्तरी टापू नेवल एयर स्टेशन में आयोजित एक समागम दौरान अमरीकी जल सेना तो अपने MH-60R मल्टी रोल हैलीकॉप्टर के पहले 2 हैलीकॉप्टर प्राप्त किए। समागम दौरान इन हैलीकॉप्टरों का अमरीकी जल सेना तो भारतीय जल सेना में रस्मी तौर पर तबादला किया गया जिन्होंने अमरीका भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने स्वीकार किया। इस समागम में अमरीकी जल सेना के वाइस एडमिरल कैनेथ वाइट सेल कमांडर नेवल एयर फोर्सिस भारतीय जल सेना के उप मुखी वाइस एडमिरल रवनीत सिंह विचाले हैलीकॉप्टर दस्तावेज़ों का लैंड देन भी होया। लॉकहीड मार्टिन कारपोरेशन USA वालों तैयार किया गया MH-60R हैलीकॉप्टर हर मौसम में कारगर है जो अत आधुनिक एवियोनिक्स सेंसर नाल कई मिशनों के लिहाज नाल बनाया गया है। इन्होंने 24 हैलीकॉप्टर अमरीकी सरकार पासों विदेशी रक्षा विक्री तहत खरीदे जा रहे हैं। हैलीकॉप्टर भारत के अनेक तरह के उपकरण के हथियारों के लिहाज नाल सोध्या भी जाएगा। इन्ह MH हैलीकॉप्टर शामिल करन नाल भारतीय जल सेना की समर्था में होर इजाफा होगा। इन्ह शक्तिशाली हैलीकॉप्टर के सिखलाई भारतीय दल का पहला जथा इस समय अमरीका में। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 8 सूबे में पेंदे 14 इंजीनियरिंग कॉलेजों वालों नवे अकादमिक वरे तो चुनवीं ब्रांचों में खेतरी भाषाओं में कोर्स करवाए जाने की पेशकश का स्वागत किया है। उपराष्ट्रपति ने अपने ट्वीट में कहा कि खुशी की गल है कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टैक्निकल एजुकेशन ने कौमी सिक्ख्या नीति के प्रबंधों अनुसार BTEC प्रोग्राम 11 खेतरी भाषाओं में मुहैया कराने की इजाजत दी है जिन्हें हिंदी मराठी तमिल तेलुगु कन्नड़ गुजराती मलयालम बंगाली असामी पंजाबी और उड़िया शामिल ने। श्री वेंकैया नायडू ने इशा जाहिर की है कि देश के होर इंजीनियरिंग कॉलेज और तकनीकी सिक्ख्या संस्थावां भी खेतरी भाषाओं में कोर्स मुहैया करवाउणगियां। देश में कोरोना स्थिति में सुधार जारी है। बीते 24 घंटे दौरान 38,000 तो वध नवे कोरोना मामले दर्ज किए गए। इस समय दौरान 43,916 कोरोना मरीज सेहतयाब होए। हुण तक भारत में 3,02,27,792 लोग कोरोना मुक्त हो चुके हैं। कोरोना तो ठीक होने की दर 97.31% पहुँच गई है। बीते 24 घंटे दौरान कोरोना कारण 560 लोगों की जान गई। देश में कोरोना के एक्टिव मामलों में 6,697 की कमी दर्ज की गई। इस समय 4,24,025 एक्टिव कोरोना मामले मौजूद ने जो कोरोना की पुष्टि वाले कुल मामलों का 1.36% बनता है। केंद्रीय सेहत मंत्रालय अनुसार बीते 26 दिनों दौरान कोविड की रोजाना पॉजिटिविटी दर 3% तो हेठा दर्ज की जा रही है जबकि बीते 24 घंटे दौरान यह दर 1.91% दर्ज हुई है। केंद्रीय सेहत और परिवार भलाई मंत्रालय ने कहा है कि सूबियां और केंद्र शासित प्रदेशों को अजे भी 2,74,37,000 तो वध कोरोना टीके उपलब्ध ने जबकि 18,16,140 होर टीके भेजे जा रहे हैं। मंत्रालय अनुसार हुण तक केंद्र ने सूबियां और केंद्र शासित प्रदेशों 41,69,24,550 कोरोना टीकों दी खुराकां मुहैया करवाईआं ने जिन्हां विचों जाया गईआं खुराकां समेत हुण तक 38,94,87,442 खुराकां की खपत हुई है। इस दौरान देश भर में हुण तक कोई 40 करोड़ कोरोना टीके लगाए जा चुके हैं। बीते 24 घंटे दौरान 42,12,557 टीके लगाए गए हैं।
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਚੀਨ ਅਤੇ ਵੁਹਾਨ ਦੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। WHO ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਟੈਡਰੋਸ ਐਡਾਨੋਮ ਘੇਬ੍ਰੇਯੇਸਸ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੰਕੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNUDDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਪੇਜ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।